अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है इसको पहले देख लें। माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी अंडर रूट ओवर टू। ठीक है, तो इसका अभी हम पहले डेरिवेशन इसकी देखेंगे। तो इसकी डेरिवेशन जो है वो कम्प्लीटिंग स्केयर से होगी। ठीक है, तो कम्प्लीटिंग स्केयर के वो स्टेप्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कैसे इसका प्रूफ होगा। सबसे पहले तो कम्प्लीटिंग स्केयर का रूल होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वेलिटी की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्केयर प्लस बी एक्स इजिकल टू माइनस ई। उसके बाद क्या होता है, आप एक्स के साथ वन के अलावा कोई अगर नंबर लगा हुआ पहले उससे आप डिवाइड कर दें। ठीक है, पूरी इक्वेशन को, तो डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ए एक्स स्केयर ओवर ए प्लस बी एक्स ओवर ए इजिकल टू माइनस ई ओवर ए। तो ये ए से कैंसिल, एक्स स्केयर प्लस बी ओवर ए एक्स इजिकल टू माइनस ई ओवर ए। अब क्या करें, एक्स के साथ जो नंबर लगा हुआ इसको टू पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्केयर दोनों साइडों में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखिए क्या लगा हुआ, बी ओवर ए, तो इसको टू पे डिवाइड करें, बी ओवर ए को टू पे डिवाइड करें तो ये बी ओवर टू ए। ठीक है, अब इसका स्केयर हम दोनों साइडों में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग बी ओवर टू ए का स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स स्केयर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर टू ए इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर टू ए का स्केयर। दोनों स्केयर्स वाली टर्म्स लिखेंगे, अलामत ये वाली इस्तेमाल करेंगे, ओवर टू का स्केयर कितना आएगा, फोर, और ए का ए स्केयर। तो एक्स स्केयर प्लस बी ओवर टू ए का स्केयर, इधर हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो इसकी एलसीएम आएगा फोर ए स्केयर। फोर ए को ऊपर रखा, ठीक है, और ए पे डिवाइड किया, आंसर कितना आएगा, फोर ए, फोर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर ए सी प्लस फोर ए डिवाइडिंग बाई फोर ए स्केयर, फोर ए स्केयर डिवाइडिंग बाई फोर ए स्केयर, आंसर वन, तो वन को बी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्केयर, क्योंकि तो ये आएगा बी स्केयर। तो ये बी स्केयर पहले लिख लें, फोर ए सी बाद में लिख लें, ओवर फोर ए स्केयर। अब अपने एक्स फाइंड करना है, ये वाला एक्स, तो उसके लिए दोनों साइडों का हमें स्केयर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टेकिंग ये कैंसल, एक्स प्लस बी ओवर टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी अंडर रूट ओवर फोर का अंडर रूट टू, ए स्केयर का अंडर रूट स्केयर कैंसिल हो जाएगा तो वो ए बचेगा, और इस वाले नंबर का कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, इसका स्केयर रूट नहीं आएगा, तो ये एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बी ओवर टू ए को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, इसका एलसीएम ले लें टू ए, तो ये प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी अंडर रूट माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। सिर्फ ये माइनस बी जो है वो शुरू में लिख लें, प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी अंडर रूट वो बाद में लिख लें, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इस फार्मूले को आपने बिल्कुल ज़बानी याद रखना है। ठीक है, एक्स इजिकल माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी अंडर रूट ओवर टू ए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे आसान मेथड यही होता है
कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लें, ठीक है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कहेगा क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने करना है, तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है, ठीक है। अगर वो कंप्लीटिंग स्केयर से कहता है, तो आपने कंप्लीटिंग स्केयर से करना है क्वेश्चन। और अगर वो फैक्टराइजेशन से कहता है, तो आपने फैक्टराइजेशन से करना है। अगर आप वो क्वेश्चन देता है, वो ऊपर लिखा है, कुछ भी नहीं स्टेटमेंट में, कुछ नहीं लिखता कि आप जस्ट इसको सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आप तीनों मेथड्स में से कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने डिफाइन कर दिया, उसने स्टेटमेंट दे दी कि आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करना है। अगर आपने इसको कंप्लीटिंग स्केयर या फैक्टराइजेशन से कर लिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो ऊपर कुछ मेंशन नहीं करता कि आपने इसको किस मेथड से करना है, तो आपके पास तीनों चॉइसेस हैं। आप तीनों मेथड्स में से कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनमें फिर मैं प्रेफर करता हूँ कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जस्ट आपको ए बी सी की वैल्यूज चाहिए, आपने पुट करना है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन सेट ईजीली आ सकता है बाय दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो अभी हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए इस फार्मूले को आपने पहले याद करना।